I guess I am before you. Ooh, let me check it if everything is fine or not. जल्दी जल्दी आ जाओ सबसे पहले तो, और ये जो विलंब हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं. स्टिल इट्स नॉट विजिबल टू मी. स्ट्रीम की प्लीज, पहले रोको रोको पहले रोको. लंका लगानी थी. चलो गाइस, गुड इवनिंग. सॉरी थोड़ा लेट हुआ, सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स. कभी कभी ये दिक्कतें हो जाती हैं. चलो गाइस, गुड इवनिंग. सो फाइनली आई एम हेयर बिफोर ऑल ऑफ यू, और सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे अध्याय के साथ मैं आपके सामने हूँ गाइस. सो गुड इवनिंग ऑन दिस यूपीएससी 101. आई अभिषेक, एज योर एजुकेटर इंस्ट्रक्टर, वेलकम यू ऑल. और ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों का इन चीज़ों के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, राइट. और एक बहुत बड़ी घटना भी है जो 9 बजे से घटने वाली है आप लोगों के सामने आज, ठीक है. सो उसका भी ध्यान रखना है. सो आज कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं. अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाता हूँ, मैं किसी को नहीं बोल पाता हूँ, फटाफट सबसे पहले ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि कहानी तो हमारी होगी ना, पड़ेगी ना आगे. सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू मिस दिस एंशियंट इंडिया वाला सेगमेंट. सो ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वाला भाग है. एक बार जरा मैं देखना चाहूँगा कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं, फिर कहानी को शुरू करते हैं. सो यस, आदिति, अर्चना, पूनम, मधु, शफाक, प्रज्ञा, बॉबी, जल्दी जल्दी आओ सब आओ. सोनाली, देन कीवी, मंदीप. चलो यार आज अदिति सबसे पहले नहीं, जो शेयर कर दो एक बार जरा ग्रुप्स में, ठीक है. और आज बहुत लेट हो चुका है, तो आज मेरे से ना कोई शिकायत मत करना तुम लोग कि सर प्लीज़ आपने मेरा नाम नहीं लिया, प्लीज़ मेरा नाम नहीं लिया. मैं आज नाम लेने के स्थिति में नहीं हूँ, बिकॉज 9 बजे से वो घटना घटनी है, तुम्हें पता ही है. सो बी हैप्पी फॉर दैट एंड क्रॉस योर कीप योर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. इट हैज़ टू हैपन फ्रॉम 9 PM टुडे. एंड वो 8 बजे से ही था, तो उसे 9 बजे इसलिए शिफ्ट किया गया था बिकॉज ये हिस्ट्री वाली क्लास थी. तो ठीक है, मतलब हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, वो तो माँ इंपॉर्टेंट है ही. सो कहीं जितने भी नए लोग हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि एंशियंट वाला जो ये सेगमेंट है, अब आप आराम से यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. बिकॉज उन लोगों को जो नए लोग हैं, जो ये लग रहा था कि मॉडर्न इंडिया की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री में एक ये कन्वीनियंस है कि यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम वाइट दिस एंशियंट वाला सेगमेंट या मीडियवल वाला सेगमेंट. सो एंशियंट मीडियवल से करो, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम अप विथ मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. बहुत सारी छोटी बड़ी नई चीज़ें हैं, फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, फॉर मेन्स ऑल्सो, ठीक है. लाइक दिस पीसी इज कमिंग विद दैट सियासत एंड प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का एक जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं. इट हैज़ टू बी अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड योर क्लासेज ऑफ लाइक दिस पॉलिटिकल साइंस या पेपर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन द मेन्स. सो वो कोई भी कर सकता है, मतलब हर नया स्टूडेंट उसे कर सकता है. अब इज एन एब्सोल्युटली न्यू थिंग, ठीक है. मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ, एक दो चीज़ें ऐसी नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपकमिंग प्रिलिम्स को टारगेट करते हुए, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत नई चीज़ें आने वाली हैं. सो बहुत जल्दी ये सब कुछ आपके सामने होने वाला है. एंड फॉर ऑल दोज पर्सन जिनके दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है, जो कि मेरे को पता चला है कि भाई सर आप जो शुरू होता है वो ख़त्म क्यों नहीं होता, ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ियों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करना, ठीक है. जिनका सेगमेंट खत्म हो चुका है, गुरुकुल 2 पे खत्म हो चुका है, मेरी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, तो ये तब तक चलेगी जब तक खत्म नहीं होगी, ठीक है. दैट इज माई वर्ड टू यू बिफोर एवरीवन, मतलब अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह रहा हूँ, ऐसी गलत फहमियों से दूर बिल्कुल रहना है, ठीक है. अक्सर हाँ गलत फहमी में बहुत सारा टाइम हमारा बीतता है. आप मुझे स्पेशल क्लासेस के लिए देखो, ठीक है. प्लस कोर्सेज हमारी काफ़ी अच्छी चल रही हैं. दिस इज माई एडुकेटर्स कोड, दैट इज AR101, हिस्ट्री और साइंस की क्लासेस में लेता हूँ. एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज स्टडी विद अभिषेक _unacademy. जुड़ो इससे ताकि अपनी जो शंका है, दुविधा है, वो दूर कर सको, ठीक है. आई मीन यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस है कि भाई ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब ये तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू कम वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट दुविधा और शंका और नॉट. ये तो इंडिपेंडेंस और लिबर्टी तुम्हें होनी चाहिए ना. बट येस, दैट इज माई अश्योरेंस दैट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट राइट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इन टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. सो फॉर ऑल दिस न्यू स्टूडेंट्स, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जुड़िए इससे. और कहानी को अपनी हम आगे बढ़ाते हैं, दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा जो पार्ट है, उसमें बेसिकली ये बातें तो हमारी हो चुकी थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कहाँ पे आता है, कहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, कौन से पीरियड में आता है, कौन सी इपॉक में आता है, फिर इसका शेप क्या है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली हमने कल
हमने देख चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कर चुके हैं सारी चीज़ें, उसका अब फर्दर एक्सटेंशन आज हमें देखना है, ठीक है। सो एक्सटेंशन में सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था दैट विथ लाइक अमिड ऑल दोज कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशंस, ठीक है, अमंग दिस ऑल कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशंस लाइक वॉट वी हैव इन द नेम ऑफ दिस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड दिस इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिश्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पे होती थी, या फिर ये दजला और फारात की सभ्यताएं, सब समकालीन थी, लेकिन इसमें सबसे एडवांस बेसिकली जो था दैट वॉज सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने तुम लोगों के दिमाग से क्लियर किया था, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा रहता है और उन्हें लगता है कि उन्हें हिस्ट्री आती है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे दे एंड ऑन द नोट्स, वो दो दे एंड अप विद द नोट्स कि सर हिस्ट्री में कुछ छूट ही जाता है। अब क्यों नहीं छूटेगा? अगर तुम सिर्फ रट के जाओगे कि हाँ गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में, तो ये हिस्ट्री से कितना बना सकते हो? हिस्ट्री इज लाइक एन एब्सोल्युटली एनालिटिकल सब्जेक्ट। अगर तुम समझते नहीं हो तो स्टेटमेंट्स को पढ़ के, अगर तुम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक लाल पीली किताब से उठा के तुम अगर चलते हो तो फिर उतनी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ऐसी उम्मीद रखना। अदरवाइज अगर उतना पढ़ के तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो फिर हिस्ट्री की गलती थोड़ी है, ये तुम्हारे उम्मीदों की गलती है। प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद द सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम लाइज विथ योर एक्सपेक्टेशंस व्हिच इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल एंड स्यूडो इन नेचर। तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि आप जिस तरीके का कंटेंट रखते हो उसी तरीके की उम्मीदें भी रखो, ठीक है। उम्मीदों में और कंटेंट में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। बड़ा अजीब सा एनालॉजी एस्टैब्लिश किया है मैंने, एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंटेंट, कभी नहीं सुना होगा बट इस कंटेक्स्ट में बहुत सही है, ठीक है, कंटेंट वर्सेस एक्सपेक्टेशन की एनालॉजी, ठीक है, होना चाहिए, होनी चाहिए ये बात। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वही दुख आप लोगों के मन से एक दूर करने की कोशिश की थी कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन की बात होती है, यूनानी सभ्यताएं जिसको इंडियंस यवन कहते थे, ठीक है, दूरदर्शन वाला कोई पुराना सीरियल अगर देखा हो जैसे वो चाणक्य जो थी, ठीक है, द्विवेदी साहब की, उसमें यवन शब्द वैसे भी यूज किया जाता है उन एंशियंट ग्रीक पीपल के लिए जिन्हें मैंने बताया था तुम्हें कि भाई दे आर नथिंग बट द एंशियंट यूरोपियन पीपल। सो वो सभ्यता समकालीन नहीं थी, वो सभ्यता इनसे काफी आगे की थी, जिसे हमने मायोसिनियन सिविलाइजेशन कहा था, द सिविलाइजेशन विच प्रोड्यूस द नेम्स लाइक अलेक्जेंडर एंड ऑल, एंड द सिविलाइजेशन विच एक्चुअली डिमोलिस्ड और विच एक्चुअली क्रम्बल्ड आफ्टर द एलेक्जेंडर, और उसके बाद रोमन सभ्यता की शुरुआत होती है। सो वो माइसिनियन सभ्यता, वो एंशियंट ग्रीक सभ्यता या यूनानी सभ्यता या यवन सभ्यता या यवन लोग, ठीक है, वो जो थे बेसिकली वो सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के थे, वो कंटेम्प्ररी नहीं थे, समकालीन नहीं थे। ये सारी बातें हो चुकी है, सब मैं बता चुका हूँ। सो मिस्र की सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में और इंदस घाटी सभ्यता में ये सबसे आगे क्यों था, ठीक है, डेफिनेट सी बात है कि इसका जो सेंस ऑफ लिविंग था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो एडवांस था, आगे था काफी, समझ में आ रही बात, बाकी सभ्यताओं की तुलना में। अब वो क्या चीज थी जो आगे थी, चलिए उस पर कुछ चर्चा करते हैं। व्हाई इट वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट नॉट डेफिनेटली द मोस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, मतलब मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रही है बात, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्या लिखोगे उस समय तुम, ठीक है, तो दैट वॉट टेलिंग, अभी आंसर रेटिंग वेटिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है, व्हेन अनलेस यू गेट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, ठीक है। और मैंने ये पीसी को भी बात बता दी है, ठीक है, कि वो होमवर्क देके तुम लोगों को तंग करते रहते हैं, सो ये चीज वो भी नहीं, इधर कन्फेस करो, ठीक है, अच्छा सर बिजी विद समवन, बाद में बुलाता हूँ इनको मैं, ठीक है। तो ये बात हमारी हो चुकी है, एंड डेफिनेटली डोंट मिस हिम फॉर दैट बेस्ट थिंग, लाइक वॉज अ न्यू थिंग विच इज कमिंग विथ सियासत और भारतीय प्रधानमंत्री, इट हैज टू बी एन अमेजिंग एपिसोड इन विच ही विल कवर ऑल दोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू अप टू नरेंद्र मोदी। सो इट हैज टू बी वेरी यूजफुल इन द पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, एवरीथिंग, ठीक है। सो वो कोई भी नया स्टूडेंट डेफिनेटली आगे आके कर सकता है। सो वाई इज वॉज मोस्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन, वाई इट वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन, ठीक है, among all those civilizations which existed, ठीक है, parallelly, समझ में आ रही बात। तो इसी पे कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं, दैट यहाँ के नगर नियोजन को देखते हैं। नगर नियोजन को देखने का मतलब है गाइस, आज मैंने पहले कह दिया है कि आज थोड़ा सा कमेंट वगैरह अगर मैं कम देखूँ तो दुखी मत होना, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा टाइम थोड़ा लेट हो गया और 9 बजे से एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं बिग शो शुरू होना है प्राइम टाइम पे, तो उसके लिए मैं कितना ही नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी तरीके से डिस्टर्ब हो, ठीक है। सो चलिए इसके टाइम प्लानिंग के बारे में थोड़ा देखता हूँ मैं, आज के लिए मेरे को माफ़ करना बस, ठीक है।
दैट एक शब्द यहाँ पे यूज, टाउन प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है सिटाडेल या एक्रोपोलिस, ऐसे शब्द ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं स्क्रीन पे नहीं रहूं तो इसका मतलब होता है कि जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से नोट्स बनाना है। एंड आई गेस सब लोगों के पास एनसीएट इंडिया की पुरानी कॉपी होगी, मैं सॉरी कह रहा हूं पुरानी कॉपी कह रहा हूं, नई कॉपी होनी चाहिए एनसीएट इंडिया की, एक अच्छी सी नई कॉपी, ठीक है। सो एक्रोपोलिस और सिटाडेल का मतलब यही होता है कि देखो, जो अगर देखा गया है खुदाई के दौरान कि जो ये शहर दिखे हैं, जो जगह दिखे लाइक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो इसमें शहर का एक हिस्सा ना ऊंचाई पे दिखा हमेशा, ठीक है। शहर का एक हिस्सा लोअर डाउन द प्लेन दिखा, उसका टेरेन लो दिखा, उसकी टोपोग्राफी लो दिखी, और शहर का एक हिस्सा ऊंचाई पे दिखा, ठीक है। सो जो हिस्सा ऊंचाई पे दिखा उसको बेसिकली आप सिटाडेल कहते हो, या फिर वही मायोसिनियन सिविलाइजेशन में ग्रीक, एंशियंट ग्रीक यूनानी सभ्यताओं में, ठीक है, उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्रोपोलिस। So, इसी को आप सिटाडेल कह लो या फिर इसी को आप एक्रोपोलिस कह लो, ये चीज दिखी। इससे ज्योग्राफर्स कह रहे हैं, इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातात्विक विभाग के सदस्य हैं, वो ये अंदाजा लगाते हैं मतलब कि क्या हो सकता है ये। तो डेफिनेट सी बात है, ऊंचाई पे रहने वाले ऐसा क्षेत्र से फूड ग्रैनरी यहीं पे देखा गया था, तो कहने का मतलब है कि नेचुरल कैलामिटी से ये हिस्सा शहर का सुरक्षित था, इसलिए इसे ऊंचाई पर रखा गया था, ठीक है। सो जो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए ग्रैनरीज वगैरह पाई गई थी वो सब इसी पे होती थी, ठीक है। और एक ये भी बात कही गई है कि शायद ये समाज के अव्वल दर्जे के लोगों के रहने की जगह थी। एक डाउट ये व्यक्त किया जाता है, एक लॉजिकली एक डाउट व्यक्त किया जाता है कि भाई शायद समाज में एक तरीके का राजनीतिक संगठन था और एक तरीके की शासन करने वाले लोग थे शायद जो पावरफुल थे, ठीक है, वो शायद इस ऊंचाई पर रहते थे। बट हाँ, क्या कोई सामाजिक या राजनीतिक संगठन एग्जिस्ट करता था, क्या कोई शासन करने की व्यवस्था थी, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। बस ऐसी संरचना से जिसे आप सिटाडेल या एक्रोपोलिस कह रहे हो, इससे एक प्रकार का ये तर्क एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, दैट्स इट, समझ में आ रही बात। सो रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज सिटाडेल और एक्रोपोलिस। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस तरीके का सेंस ऑफ लिविंग देखो कितना लॉजिकल है इनका, ठीक है, कि भाई एक सुरक्षित जगह ऊंचाई पे रखते हैं शहर का हमेशा, ठीक है। दिस एलिमेंट्स एक्चुअली proclaim their efficiency and technical senses, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और उसके बाद कॉमन पीपल, सिटाडेल तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, कॉमन पीपल आम आदमी यहां पे रहते थे जिसे आप मैंगो पीपल कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्र में, ठीक है। जो शहरों का बेसिकली जो शहरों का अरेंजमेंट था वो एक ग्रिड सिस्टम में था। नाउ व्हाट इज दिस ग्रिड सिस्टम, सिंपल सी बात है, देखो ग्रिड सिस्टम में ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे ये सड़कें हैं, ठीक है, एक सड़कें हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करती थी, सड़कें हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करती थी। जैसे मान लो ये सड़क है, ये इधर से इधर घूम गया, ये इधर से इधर घूम गया, तो ये चार ग्रिड बन गए ना, तो यहां पे बेसिकली घर है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे घर है। सो इसको बेसिकली अब क्या कहते हो, ग्रिड सिस्टम। ये भी अपने आप में एक बात कहती है कि हाँ भाई उनमें जो व्यवस्था थी, ठीक है, सेंस ऑफ थिंकिंग था, सेंस ऑफ लिविंग था, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग, समझ में आ रही बात। तो ग्रिड सिस्टम याद रखना, एक्रोपोलिस याद रखना, सिटाडेल याद रखना, इन चीजों की वजह से डेफिनेटली इनका जो अर्बन प्लानिंग था उसको एक काफी सुदृढ़, ठीक है, सुदृढ़ माना जाता है एज कंपेयर टू द अदर सिविलाइजेशंस दैट एग्जिस्टेड विद देयर टाइम। फिर ग्रेट बात की आती है, बात महास्नानाघर जो होता था, देखो कैसा होता था, यहाँ पे यू कैन सी इट, ठीक है, इस तरीके की कोई संरचना होती थी। अब ये स्विमिंग पूल जैसा होता था, ठीक है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा, और बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, हिस्टोरियंस के भी अलग अलग किताबों में भी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आपको जो दिमाग में रखना है एक शब्द जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में आपको लिख के आना है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, वो ये है कि एक पब्लिक बात हुआ करता था जो किसी भी रिलीजियस ओकेजन पे, ठीक है, एक साथ नहाने के उपयोग में लाया जाता था, ठीक है, मतलब ऐसा पब्लिक बात हुआ करता था। पब्लिक बात ऐसा नहीं कि हमेशा छप छप करके उसमें कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल है, तैरना सीख रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, वो सब नहीं, किसी भी रिलीजियस ओकेजन पे प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि हमें याद नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई धर्म नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, मंदिरों का हमें किसी प्रकार का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हाँ छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मोहरों पे प्रोटो शिवा की तस्वीर मिली है, मतलब लॉर्ड पशुपति का, ठीक है, मदर गॉडेस की इमेजेस मिली हैं, ठीक है। सो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस एलिमेंट्स थे, लेकिन एक्चुअली रिलीजन एग्जिस्ट करता था आज की तरह, इस पर कहीं से कोई ओपिनियन हमारे पास
नहीं है, उस पर मैं आऊंगा आगे, बट जस्ट होल्ड ऑन हियर। सो ग्रेट बाथ बेसिकली क्या था, एक पब्लिक बाथ हुआ करता था जहां पे किसी रिलीजियस ओकेजन पे प्रोबेबली लोग पब्लिकली नहाने का काम किया करते थे। ऐसे ही आप ग्रेट बाथ के बारे में ध्यान रखना, इट हैज टू हैव सम ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क जो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। ग्रैनरी जो था वो एक बहुत बड़ी आकृति हुआ करती थी, अन्नागर जिसे कहते हैं, ठीक है, महान अन्न भंडार या अन्नागर, ठीक है, जो सिटाडेल वाले क्षेत्र में होती थी जहां अनाज का भंडारण किया जाता था। जैसे मोहनजोदड़ो का जो ये फूड ग्रैनरी था वो सबसे बड़ी संरचना के रूप में पाया गया है ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। कहां से क्या मिला है उसकी मैं एक चार्ट दिखा दूंगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस जगह से कहां से मिला है। और ये बात तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि याद रखना है, और ये चार्ट भी पिछली क्लास में दिखाया था कि कौन सा साइट किस स्टेट में मिला है, ठीक है, स्टेट में है और किस नदी के तट पे है, याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? सो मूविंग अहेड, फूड ग्रैनरी, ये जो पब्लिक ग्रेट बाथ का क्या सिग्निफिकेंस है ये सब ध्यान रखना। ड्रेनेज सिस्टम वॉज अमेजिंग, ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली वॉज जल निकासी प्रणाली। देखो कैसी नालियां थी, किस प्रकार की नालियां, कितनी सुंदर, ठीक है। मुझे लगता है कि आधे भारत में ऐसी नालियां अभी भी नहीं है, नालियां, नाली, ठीक है, समझ रहे हो। सो इट यूज टू हैव लाइक इट यूज हैव ब्यूटिफुल ब्रिक वर्क, नालियां, जल निकासी प्रणाली, ठीक है। ये भी बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं वॉज इम्प्रेसिव एंड यूनिक, एग्जैक्टली कुछ कुछ ऐसा ही, ठीक है। सो इससे बात हमें ये समझ में आती है कि हेल्थ और हाइजीन के प्रति भी जो उनकी कॉन्शसनेस थी, दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। मतलब एक लॉजिकल इन्फेरेंस ड्रॉ करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो ये आपका सिटाडेल हो गया, एक्रोपोलिस हो गया, सिटाडेल या एक्रोपोलिस कह लो, देन यू हैव द ग्रेट बाथ, देन यू हैव द फूड ग्रैनरी, देन यू हैव द अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम, और ये सारी चीजें क्या कहते हैं, दैट देयर सेंस ऑफ लिविंग वॉज वेरी हाई एंड समवेयर डाउन द लाइन दीज एलिमेंट्स वेर नॉट एक्चुअली विजिबल इन ऑल द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस दैट एग्जिस्टेड विथ IBC टू सम और मोर एक्सटेंट। डेफिनेटली इट वॉज वेरी एंड मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू दोज सिविलाइजेशंस व्हेन इट कम्स टू द अर्बन प्लानिंग, ठीक है। तो इसलिए आप इसको हमेशा अग्रिम सभ्यता का रूप देते हैं, समझ में आ रही है बात? ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर फाइनली मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि कौन सी चीजें कहां से मिली है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। कहां हो भाई, आज बहुत कम लोग दिख रहे हो। जिप्सम यूज करते थे हरेंद्र, गुड इवनिंग। सौम्या पाटिल, नीलिमा, दीपक, प्रियंका, यस सर, यस सर, सुधाशिनी, जो लोग भी नए हैं प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जोड़ना गाइस। मिश्रा जी कैसे हो, एकदम सही बात है सोनू, ठीक है। देन प्रज्ञा खान साहब, नीलिमा, हरीश, नाइस टू सी यू हरीश। देन निधि, आप A4 में लिखती हैं, बहुत अच्छी बात है गाइस। ध्यान रखना जो नोट्स बनाते हो ना, दो लाइन की कॉपी में मत बनाया करना। ये टेलीग्राम पे भी मैं सबको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करता हूँ, दैट दो लाइन की कॉपी नहीं, ये सब गलतियाँ मत करना लाइफ में, ठीक है। लाइफ में छोटी छोटी गलती बेसिकली, ठीक है, क्या कहते हैं आप, कि आगे चल के एक बहुत बड़ा पछतावे का कारण बन जाती है। और प्रॉब्लम पछतावे में नहीं है, ठीक है, गलती के लिए आप रिपेंट करते हो, इट्स ऑल ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत बीत जाता है, ठीक है। तो मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। मैं 3 से 4, 4 से 5 महीने अनअकैडमी पे हूँ, ठीक है, मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी। जब तक नहीं सीखी थी मुझे लगता था कि जो मैं जानता हूँ वही सबसे अच्छा है, बट जब मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड फीलिंग। सो दैट व्हाट आई कीप ऑन सेइंग कि जब तक आप अपनी अंतिम सांस नहीं लेते हो, ठीक है, टिल देन इट इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस विच विल नेवर स्टॉप। एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। बस आपका वो, आपकी वो कैपेसिटी, आपके मन में वो बात होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका ये मानना जरूरी है कि मुझे नई चीज़ें सीखना है, ठीक है, आपके अंदर वो इंटेंशन, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस 5 महीने में ही बहुत सारी नई चीज़ें मैंने देखी, ठीक है, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, अच्छे भी बुरे भी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी वो होती चली गई, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं पाया। बहुत सारी ऐसी बातें जो फिर होती चली गई और मैं वो नहीं सोच सकता था कि हो सकती हैं, ऐसा कुछ हुआ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, बिलो माई एक्सपेक्टेशंस, अबव माई एक्सपेक्टेशंस, मैनी सच थिंग्स हैपेंड, समथिंग वेरी बैड, समथिंग वेरी गुड, समथिंग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, समथिंग बिलो माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बस आई जस्ट एक्सेप्टेड वॉट हैपेंड, ठीक है। सी जिंदगी के इस मोड़ पर आके हमें अच्छे और बुरे की पहचान होने लगती है, बस हमें एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करना इज इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट करना इज इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट, कि आप किस चीज़ को महत्व दे रहे हो, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ऐसा कहीं से नहीं है कि तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है,
बट इज जस्ट दैट यू डोंट वॉन्ट टू टेक सम ब्रेथ एंड जस्ट थिंक फॉर अ वाइल एंड वॉट इज दिस, इज दिस गुड और बैड? एग्जैक्टली और एब्सोल्यूटली तुम्हें पता होता है, जस्ट दैट तुम कुछ चंद लम्हे रुक कर, ठीक है, उस चीज को रियलाइज नहीं करना चाहते हो. सो आवर रियलाइजेशन, आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स, जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग इट, बिकॉज द मोमेंट दिस एक्सप्लोरेशन एंड्स, प्रोबेबली समथिंग वेरी बिग इन लाइफ स्टॉप्स. ठीक है, सो ये बात तो है. A4 में ही लिखना, A4 इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेंस में जाओगे तो आपको कॉपी मिलेगी वही वाली प्लेन वाली जिसमें दो तरफ से मार्जिन होगा, और आप दो लाइन की कॉपी पे लिखते चले जा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, वहाँ पे क्या होगा फिर? दो लाइन की कॉपी पे लिखोगे तो एक लाइन ऐसे शुरू होगा, एक लाइन ऐसे शुरू होता चला जाएगा. ठीक है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, दैट लीव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. समझ में आ रही बात? चौहान साहब गुड इवनिंग, इतना गुड इवनिंग लिखने में क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे को टेलीग्राम पे गुड इवनिंग कह देना. शेलू, लाइबा, सोनाली, कुसुम, नेहा, ऑल राइट. सर व्हाट इज एक्रोपोलिस? पूनम, जब मैंने बताया एक्रोपोलिस तो समझ में नहीं आया, जो सिटाडेल है ना उसी को एक्रोपोलिस कहते हैं. ठीक है, एक्रोपोलिस बेसिकली एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन में सिटाडेल के लिए, सिटाडेल जैसी जगहों को बोला जाता था ग्रीक सिविलाइजेशन में, एक्रोपोलिस. ठीक है, वो उठा हुआ शहर का उभरा हुआ हिस्सा जो ऊंचाई पे होता था. IBC में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिटाडेल, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्रोपोलिस. बोथ आर द सेम थिंग्स. शुभम, विजय भवा, बॉबी, कैसे हो सर आप? मैं कल से वेट कर रहा हूँ आपकी क्लास का सर, अब तो बिल्कुल मन नहीं लगता आपकी क्लास के बिना. भगवान आपको हमेशा खुश रखे. बॉबी तुम खुश रख लो प्लीज़, भगवान मेरे को कैसा रखना चाहता है ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक मैंने सिर्फ सरप्राइजेज पाए हैं. ठीक है, सरप्राइजेज ऐसे ऐसे कि मैं क्या ही बताऊँ. मतलब प्रोबेबली अगर मैं पिछला 8-9 साल आपको अपने सामने, अगर किसी को मैं, किसी न्यूट्रल इंसान को अपने 8-9 साल, ठीक है, कहानी सुना दूँ, अगर पिछले 7-8 सालों की, ठीक है, 8-9 सालों की, तो वो एक ही लाइन में एक ही बात बोल सकता है. अब झूठ क्यों बोल रहा है? ठीक, बट ट्रस्ट मी, ठीक है, समवेयर डाउन द लाइन अपनी ज़िंदगी पर डेफिनेटली एक मैं ऑटो बायोग्राफी लिखना चाहूँगा. ठीक है, और मरने से पहले ये काम मैं करके जरूर जाऊँगा, टेक माई वर्ड्स. ठीक है, अब फिर ऐसी बातें अगर मैं कर रहा हूँ तो एक सेकंड के लिए जैसे ये भी सोचा जा सकता है कि अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो रहा है. एंड ट्रू, आई एक्सेप्ट इट. ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके हैं, कम या ज़्यादा, वैसे ही मेरे भी हैं. बट मैं एक्चुअली अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ अपनी लाइफ के ऊपर, न्यूट्रल विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है, विदाउट एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स माई सेल्फ, एकदम इंडिफरेंट होकर मैं बताऊँ तो गजब टाइप का फिल्मी मतलब मेरा पिछला 7-8 साल रहा है. और डेफिनेटली आई विल राइट ऑल दोज थिंग्स इन द ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज लाइक ठीक है, इट्स ओके. मतलब ये सारी चीज़ें लाइफ की बहुत जल्दी शेयर भी नहीं होनी चाहिए, रैंडमली शेयर भी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व कोई भी इन चीज़ों को नहीं दे सकता है. वन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, वन हु इज़ वेरी पर्सनल टू यू, वन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ भी शुरू होती है. ठीक है, बात यहाँ भी एक होती है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट फॉर मी ही इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट आई एम फॉर हिम. ध्यान में रखना, ये एक डुअल प्रोसेस है, दोनों तरफ से जाना चाहिए. मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने दिल की हर तहों को उसके सामने खोल दूँ, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, बदले में नहीं, ज़रूरी ये भी है कि जितना महत्व तो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, वो कितना महत्व तो मुझे दे रहा है. ठीक है, अगर उसमें सिमिलैरिटी है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन है, तभी ऐसा कोई काम जिंदगी में करो, अदरवाइज गुड इनफ, स्टे गुड इनफ, स्ट्रांग इनफ. ठीक है, कि ऐसा कोई भी जहर हो, ठीक है, संभाल के रखो, वेट फॉर द राइट टाइम. और अगर वो टाइम नहीं भी आए, फील हैप्पी अबाउट दैट. ठीक है, फील हैप्पी अबाउट दैट, कि फिर वही बात जो एक बात मैंने कही थी, ठीक है, कि भाई जहर की भी अपनी खासियत होती है. ठीक है, मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए ज़्यादा पीना पड़ता है. समझ में आ रही है? सो दैट इज देयर गाइस, एनीवेज फॉरगेट इट. चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को. महिमा सर, उसको लॉन्च करना पब्लिकली क्योंकि हम भी पढ़ना चाहेंगे आपने हीरो के बारे में. अच्छा, मेरे को हीरो बना दिया, राइट सर सफाक, ऑल राइट. नहीं, ये तो डेफिनेट है, ठीक है, ये तो डेफिनेट है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, डोंट वरी. अच्छा, बहुत बच्चे आज कम दिख रहे हैं मेरे को, कहाँ गायब हो गए वो सब? सिंधु घाटी सभ्यता की जोश दो, एक क्लास में ख़त्म हो गई सबकी, पता ही नहीं चलता मतलब किस
कैरेक्टर के इंसान कुछ लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ ठीक है, बट कुछ लोगों को तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ठीक है। एनीवेज मूविंग अहेड, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आप जानते हो कि नियोलिथिक एज से ही ये सारी कहानियाँ शुरू हो गई थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन ठीक है, या फिर आप कह लो कि पॉटरी मेकिंग ठीक है, पशुपालन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो नवपाषाण काल से ही शुरू हो गई थी और समानांतर चलने वाली ये सारी सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। सो पेस्टोरलिज्म वॉज प्रैक्टिस बाई द हड़प्पन्स, सॉरी पेस्टोरलिज्म वही मतलब मवेशियों पे आधारित जो जिंदगी होती है, दैट वॉज एस्टैब्लिश बाई द हड़प्पन्स, दैट वॉज प्रैक्टिस बाई द हड़प्पन्स, द रियर्ड मतलब क्या क्या कैटल में शीप फाउल गोट बफेलो, ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, गाय नाम का जिक्र नहीं है अभी सिंधु घाटी सभ्यता में, गाय का कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा, ये जिक्र मिलेगा जब आप वैदिक सभ्यता में चलोगे तब, एकदम ध्यान रखना ठीक है। और घोड़े का जिक्र आपको, मतलब घोड़े का जिक्र है लेकिन घोड़े की बहुतायत मात्रा में आपको प्रेजेंस दिखेगी ठीक है वैदिक सभ्यता में। सो घोड़ा और गाय ये दो एलिमेंट अभी ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ये दोनों आएंगे वैदिक सभ्यता में जो कि शुरू होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। कैट डॉग एलिफेंट वे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट के अवशेष भी मिले हैं ठीक है। हाथी को विरासती पशु कहा क्यों जाता है, व्हाई एलिफेंट इज योर हेरिटेज नेशनल हेरिटेज एनिमल, जस्ट बिकॉज कि अपने विरासत में ठीक है, अगर सानो शौकत का कोई पशु मतलब प्रतीक रहा है, द साइन ऑफ द पावरफुलनेस, द साइन ऑफ द ग्रैंडियर, द साइन ऑफ द प्राउड ठीक है प्राइड, दैट वॉज डेफिनेटली एलिफेंट, चाहे वो राजाओं की सेना हो, चाहे वो राजा की सवारी हो, चाहे वो हाथी की सवारी हो ठीक है, इट ऑलवेज यूज टू बी द मैटर ऑफ द प्राइड एंड द ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब शान होता है, कहीं मैं ऐसा ना हो कि ये सब बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो। अच्छा इस पर भी संबंधित मैं कुछ करने वाला हूँ बहुत जल्दी ठीक है, कुछ ऐसी शॉर्ट्स मैं लेके आना चाहता हूँ जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हो ठीक है और कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग के सोर्सेज हो ठीक है, समटाइम्स इन हिंदी समटाइम्स इन इंग्लिश, ये काम भी मैं कुछ बहुत कुछ नया आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच, ये मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ आपको और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ठीक है। आज रात्रि 9 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बाकी आप होशियार हो ही ठीक है। सो एंड वी हैव ऑल्सो गॉट सम मीटिंग टूडे एट द नाइट, ये सारी चीज़ें मतलब अब शुरू हो जाए, जस्ट बी हैप्पी, तभी मैं कहता हूँ ना कि जब मैं कुछ बताऊँ तो तुम मान लिया करना, और आई एम वेरी हैप्पी तुमने माना ही है सब जब भी मैंने कुछ कहा है ठीक है, बट जब मैं कुछ नहीं बोलूँ तो प्लीज़ भरोसा तो कर लो कि नहीं बोल रहे हैं तो सब ओके है ठीक है, मतलब नहीं बोलो तो भी आप लोग कभी तुम्हें लगने लगता है कि यार नहीं कोई बात तो है, नहीं है, जब बात होगी तो मैं बता दूंगा, आई एम एज एट आई अपियर, जैसा मैं हूँ जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही मैं हूँ, वेदर इट इज ऑन स्क्रीन और वेदर इट इज इन माई पर्सनल लाइफ, यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट ठीक है। सो इसलिए एलिफेंट वगैरह के भी प्रमाण मिले हैं, ये सारी बातें देख लेना, देन मूविंग अहेड, इसमें सब ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें होंगी तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक यू कैन सी व्यवसाय वाणिज्य ठीक है, स्टोन में मेटल में शेल, सेल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द स्टोन, इंडस कल्चरल जोन, दे डिड नॉट यूज मेटल मनी कैरिंग एक्सचेंजेस, देखो मनी का यूज तो नहीं हुआ था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मोहरे जो सील्स होती हैं ठीक है, दे वेयर नॉट एट ऑल करेंसी, जो एक्सचेंज जो विनिमय का माध्यम था वो बार्टर सिस्टम था, कि भाई बदले में कुछ तुम दो और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो ये सिस्टम क्या कहते हो, बार्टर सिस्टम। मनी एक विनिमय का माध्यम नहीं था, वो मुहरे जो थी उस पर कंसेंसस ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो उद्यमी थे, जो व्यापारी वर्ग था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत विकसित हुआ था ठीक है, डेफिनेटली मोहर बेसिकली उनके क्या कहते हैं ब्रांड्स हुआ करते थे ठीक है, एक टाइप ऑफ स्टैम्प हुआ करता था ठीक है, यूज्ड बाय द बिजनेस क्लास, वो करेंसी तो नहीं हुआ करता था। सो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के प्रमाण हमें कहीं से नहीं मिले हैं, सॉरी करेंसी के प्रमाण कहीं से नहीं मिले, मेटालिक कॉइन्स वगैरह, आगे चल के तो सब सोना चांदी सबका बनने लगेगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक मोहरे मिली है तो मोहरे करेंसी नहीं हुआ करती थी, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ठीक है। यूनिकॉर्न वाली मोहरे मिली हैं ठीक है, ट्रेड कॉन्टैक्ट, हाँ इनके मेसोपोटामियन सभ्यता जो समकालीन सभ्यताएं हैं ना, समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया वाली दजला फारात वाली या फिर हड़प मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन, हाँ उनसे ठीक है ट्रेड कॉन्टैक्ट्स इनके थे, मतलब ये बंदरगाह के प्रमाण जो गुजरात वाले साइड से लोथल से मिलता है उससे मैं पता चलता है कि वो मतलब गुजरात अगर यहाँ है, ये अगर गुजरात है आपका, अब यहाँ पे बंदरगाह मिलता है, अगर बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं दैट मीन्स वॉट, इधर से व्यापार होता था और इधर ही तो बेसिकली आपको मेसोपोटामियन सभ्यता है ना,
ठीक है। सो अरेबियन सागर से ट्रेड रूट के थ्रू, मतलब सी रूट के थ्रू वो ट्रेड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से करते थे। इसका एक साक्षात बंदरगाह गुजरात का वो लोथल वाला साइट है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का साइट, जहाँ से हमें बंदरगाह के या हार्बर के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सो मेसोपोटामियन सभ्यताओं से इनके व्यापारिक संबंध थे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कहाँ से क्या इम्पोर्ट किया जाता था, ये सब चार्ट में जरा संभाल के रख लेना, एज इट इज एक वर्ड में स्टेटमेंट आ जाएगा ना, सब कुछ गलत हो जाता है। स्क्रीन पर से हटने का मतलब होता है कि आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है कि कहाँ से क्या चीज़ें आयात होती थी। इससे तो मैं ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से व्यापारिक संबंध थे। जैसे आप देख लो, सोना अफगानिस्तान से, ईरान से, कोलार मतलब साउथ इंडिया, कोलार गोल्ड माइन जानते हो ना, KGF का फुल फॉर्म क्या होता है, जो फिल्म देखते हो ना KGF, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, खाली वही सुनते रहते हो क्या, नन्ना नी नारे वो गाना सुनते रहते हो, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है। सो गोल्ड माइन है इंडिया का, डायमंड माइन भी है इंडिया का साउथ में, कर्नाटका में, सिल्वर अफगानिस्तान से आया करता था, बलूचिस्तान दैट इज पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, कॉपर एंड खेतरी माइंस तो जानते ही हो, राजस्थान के कॉपर माइंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इधर चालकोलिथिक पीरियड भी शुरू हुआ था। टिन अफगानिस्तान से, फिर गुजरात वाले क्षेत्र से, एगेट्स एंड कैल्कोडनी ये स्टोन होता है, लेड, लापस लजूली एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत चमकीला स्टोन हुआ करता था ये, नीला कलर का, ठीक है, माणिक जिसे अब जेम्स कह सकते हो, जेम खाने वाला जेम्स नहीं, वो भी अफगानिस्तान से यूज किया जाता था। ज्वेलरी वगैरह बनाना जान चुके थे, ठीक है, सोना चांदी सब जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक खतरनाक चीज अभी भी नहीं आया है, दैट इज आयरन, ये चीज अभी भी नहीं आया है, ठीक है। हाँ, ये मिक्सिंग भी जानते हैं, ये टिन बनाना जानते हैं, ब्रॉन्ज बनाना जानते हैं, मतलब वही ना, कॉपर प्लस जिंक या कॉपर प्लस टिन इज ब्रॉन्ज बनाना जानते हैं, और मतलब मेटलर्जी ये जानते हैं, मिक्सिंग ये जानते हैं, ओर बनाना जानते हैं, बातें बता चुका हूं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आप ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हो, ब्रॉन्ज एज कल्चर। लेकिन आयरन अभी भी नहीं आया है, ये ध्यान रखना, आयरन बेसिकली वैदिक सभ्यता में आगे चल के पता चलेगा, और आयरन जब पता चलेगा तो ये सारी संस्कृतियों में एक महान परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये तो साफ साफ सिंपल से शब्दों में कहता हूँ कि ये जिंदगी या हमारा शरीर हो चाहे हमारा समाज हो, दोनों लोहे के बिना नहीं चल सकता। समझ में आ रही है ये बात समझ गए हो ना। तो कहाँ से क्या, टर्कवाइज भी एक स्टोन होता था, जेड, कैमेलियन, ये सब स्टोन से अलग अलग जगहों से आया करते हैं। कहाँ से कॉपर, कहाँ से गोल्ड, कहाँ से सिल्वर आता है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इंपोर्ट की वस्तुएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, बेसिकली आप क्षेत्र क्या देख रहे हो, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है, यही वाला क्षेत्र है। मेसोपोटामियन सभ्यताओं से भी इसके व्यापारिक संबंध थे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मूविंग अहेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्पकारी की अगर बात की जाए तो शिल्पकारी में भी काफी निपुण लोग थे ये, ठीक है। कॉटन वॉज अ बिग इंडस्ट्रीज की चर्चा तो हो ही चुकी है कि भाई जो यवन सभ्यता के लोग थे ये इनको बेसिकली सिंडॉन क्यों कहते थे, सिंडॉन, ये बात मैं बता चुका हूँ, क्योंकि धरती पर कॉटन का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे ऐसा माना जाता है। बीड मेकिंग, बोर्ड मेकिंग, बोट मेकिंग, जहाज बनाने के प्रमाण भी मिले हैं, यूटेंसिल्स दैट इज बर्तन, खेतरी माइंस से कॉपर लाया जाता था, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, टेराकोटा मतलब क्या, मिट्टी को पका के जो बर्तन नहीं बनाते हैं जो घर में गांव में कुम्हार लेके आता है, वो पकी हुई मिट्टी की जो बर्तने होती हैं या जो मूर्तियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड टेराकोटा। तो इसका मतलब है कि फर्नेस का कंसेप्ट, भट्टियों का कंसेप्ट, ये सब इनको पता चल चुका है, थिंक लाइक दिस लॉजिकली, ठीक है। पॉटरी मेकिंग, ग्लॉसी, शाइनी, पॉलिशिंग वगैरह, ये सब कुछ सीख चुके हैं, ये सब तो बेसिकली इसका जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करना ताकि अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बना सको। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि इन कंटेंट्स में किसी तरीके की दुविधा मत रखना, ये तो मैं 3-4-5 साल बाद पता चलेगा कि ये किस प्रकार का कंटेंट है, लेकिन अभी भरोसा तो कर ही सकते हो ना कम से कम, बात समझ में आ रही है, राइट? यस सर, राइट सर, यस सर, यस सर, सिंडॉन, ऑल राइट। एनीवेज, मूविंग अहेड, हाँ, वेट्स एंड मेजर्स, इसकी भी जानकारी इन लोगों को थी, वेट्स एंड मेजर्स, इसकी भी जानकारी इन लोगों को थी, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट, तराजू वगैरह ये सब जानते थे, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, मतलब पता तो था इनको, ठीक है, लेकिन शायद ये हमारा एक प्रकार का संदेह है क्योंकि हम स्क्रिप्ट को
डिसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन बारे में हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर वेट का देखो, जैसे छोटे बड़े वेट मेजर्स की अगर वो बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबली दे हैव दोस आइडिया ऑफ द डेसिमल सिस्टम, ऐसी बात कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बट क्योंकि हम स्क्रिप्ट को ही डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए हैं तो बेसिकली इन बातों पे बहुत कुछ क्लैरिफाई करके हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जाती है कि इनको जानकारी थी वेट्स एंड मेजर्स की। बात वही है, स्क्रिप्ट की बात की जाए तो मैं वही बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका स्क्रिप्ट हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, नहीं कर पाए हैं। जो भी है वो पिक्टोग्राफिक नज़र आता है। पिक्टोग्राफिक मतलब यहाँ पे आपके सामने है। अब इन मोहरों पे, इन तस्वीरों के द्वारा क्या लिखा गया है ये तुम कैसे समझ सकते हो, सोचो तुम। लेकिन गुफाओं में भी ऐसे ही, मतलब पिक्टोग्राफिक तस्वीरों के द्वारा कुछ कुछ इन लोगों ने लिखने की कोशिश की है, जो बेसिकली हम नहीं अभी तक डिकोड कर पाए हैं। एक बात लेकिन जरूर कही जाती है कि ये क्या कहते हैं, बाउस्ट्रोफेडॉन, एक शब्द याद रखना, बाउस्ट्रोफेडॉन, ठीक है, बाउस्ट्रोफेडॉन, BAUSTROPHEDON, कॉपी में लिख लेना, बाउस्ट्रोफेडॉन एक ऐसी लिपि को कहते हैं जिसमें एक पंक्ति आप मान लो लेफ्ट से राइट लिखते हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट लिखते हो, तो दूसरी पंक्ति आप राइट से लेफ्ट लिखते हो, फिर ऐसे, ठीक है। सो इसे कहा जाता है कि ये खरोष्ठी लिपि के नजदीक है। खरोष्ठी मतलब वही जो बेसिकली अरेबिक लिपि थी, ठीक है, खरोष्ठी, ठीक है, जो बेसिकली अब जब अशोक पढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि अशोक ने नॉर्थ वेस्ट वाले या पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में जो अभिलेख प्रस्तुत किए थे, ठीक है, वो खरोष्ठी लिपि में थे। खरोष्ठी इज दैट आप कह सकते हो अरेबिक उर्दू लिपि, ठीक है, उसको खरोष्ठी कहते हैं, जो बेसिकली राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। उर्दू भी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। So, लेकिन इसमें एक लाइन लेफ्ट से राइट, दूसरा राइट से लेफ्ट, तो इसको खरोष्ठी लिपि के नजदीक मानते हुए, और इसे बाउस्ट्रोफेडॉन इसके लिए यूज किया जाता है, इसे स्क्रिप्ट के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, ठीक है, बाउस्ट्रोफेडॉन याद रख लेना। और इससे एक बात और प्रमाणित होती है जो रोमिला थापर वगैरह ने पीछे कही थी कि शायद ये लोग ईरानी बलूची ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, ईरानी बलूची ओरिजिन अगर वो हैं तभी लिपि में समानता दिख रही है, दैट डियर स्क्रिप्ट इज क्लोज टू That खरोष्ठी लिपि, that अरेबिक लिपि। समझ में आ रही बात? So ऐसे इंटरकनेक्ट करना होता है चीजों को, लेकिन हम डिसीफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वही हमारा अंतिम सत्य है। अब ये नोट्स पहले, सबसे पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और हिंदी मीडियम वाले प्लीज परेशान मत होना, एकदम सुनो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तबाह होने की जरूरत नहीं होती है बातों में। यहाँ पे बेसिकली बस किस जगह से क्या मिला है, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है। सो इसमें बिना कुछ देखे ना जो तबाह होने लगते हो, सर 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 हिंदी नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, जल्दी लिया, एक बार मैं बता भी दूंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ है कि कहाँ से कौन सी चीज मिली है उसी की जानकारी हमें, मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि भाई हड़प्पा कहाँ है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, सिटाडेल यहाँ से मिला है, ग्रैनरीज यहाँ से मिला है, कॉफिन ब्यूरियल, ठीक है। जब मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो बताऊँगा कि अंतिम संस्कार जो मरने के बाद मरणोपरांत, ठीक है, जो क्रीमेशन एक्टिविटीज होती थी पोस्ट डेथ राइट्स, उसमें भी अलग अलग तरीकों के प्रमाण यहाँ पे मिले हुए हैं, जलाने का भी, दफनाने का भी, ठीक है, हाफ पार्शियल क्रीमेशन का भी, पार्शियों की तरह, बताऊंगा मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या क्या हमें मिला हुआ है, ठीक है। सिंगल रूम बैरक्स, ब्रॉन्ज पॉट्स एंड 891 सील हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड, सिंध लैंग्वेज में इतना मतलब होता है बैंक ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है, रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट IBC साइट। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, सील ऑफ मदर गॉडेस। ये मदर गॉडेस वगैरह मैंने अभी रिलीजन तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इसको क्या करना, कालीबंगन, धोलावीरा, चनुदारो, रंगपुर, बनवाली, आलमगीरपुर, राखी गढ़ी हरियाणा वाला, देन सुरकोतदा, लोथल, ये सब धोलावीरा सब गुजरात के साइड्स हैं, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के हैं, लोथल वगैरह ये सब, चनुदारो पाकिस्तान वाला, ये सब पीछे मैं बता चुका हूँ। इसको ध्यान से बहुत प्रॉपरली आज नोट्स बना लेना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो एग्जाम में, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, सबसे अच्छे से। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर से जल्दी से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं है तुम्हें अभी, ठीक है, जैसे मदर गॉडेस, पशुपति शिवा की मोहरें,
अभी रिलीजियस कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस कंटेंट के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या भगवान थे, क्या ईश्वर थे, क्या धर्म था, क्या यहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन था, हमारा अंतिम निष्कर्ष सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा, ये सारी बातें हमारी नेक्स्ट क्लास है। लेकिन मेक श्योर इसके नोट्स सबसे प्रॉपरली बना लेना, मैं सबके नोट्स देखना चाहूँगा, टेलीग्राम पे मेरे को सेंड करना। गलती अगर दिख गया मेरे को, जितनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, अगर जो मैं कह दूँ, जिस पर मैं इम्फेसाइज करके कहूँ, उस पर कृपया अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। और बाकी वही सारी चीजें हैं लाइक मूविंग अहेड, कि भाई संचार की बातें हैं, दिस कला की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, बर्तन की बातें हैं, ठीक है। रिलीजियस एंड सेक्युलर सोसाइटी, देखो किस प्रकार के लोग थे, किसकी पूजा करते थे, भगवान थे कि नहीं, ये सारी बातें मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। जाते जाते ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फिर से ध्यान रख लेना, दैट इज स्टडी विथ अभिषेक _unacademy। जुड़ना इसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जुड़ जाना, बहुत फायदे की चीज़ है। एंड दिस इज माई एडुकेटर्स कोड AR101, जिसको आपको यूज़ करना है, बहुत सारी जगहों पे इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कॉम्बैट है या फिर फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है, सबके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 45% वाला सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, 45% हुआ था 14 जुलाई तक है, तो इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मेरे से जल्दी पूछ लेना, ठीक है। और फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, अगर पैसे की दिक्कत वगैरह है, ठीक है, तो आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी इंटरेस्ट फ्री मिल रही है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कह दिया करो, और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा काम, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है तो ऐसी ही की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अनअकैडमी प्रॉमिस वाली बात, ये भी 14 जुलाई तक है, इसमें है कि भाई दो साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आजीवन सब्सक्रिप्शन का वादा अनअकैडमी करती है। आजीवन मतलब जब तक आपका नहीं होता है, मान के चलते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ। सो उसके लिए अनअकैडमी प्रॉमिस आपके साथ है, ध्यान रखना 14 तारीख तक ही है, तो प्लीज़ मूव फास्ट, कुछ भी पूछ लेना अगर डाउट हो तो टेलीग्राम पे मेरे से। सारा ये टेस्ट सीरीज जो 80 टेस्ट का है वो आपको उसी सब्सक्रिप्शन में मिलता है, ये किताबें हैं, ठीक है, जो सारी साथ में मिलती हैं। उसके बाद दो तरह का सब्सक्रिप्शन, प्लस या आइकॉनिक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बहुत मार्जिनल है, जो आप देख सकते हो, मतलब इसमें क्या ही बताऊँ मैं, इतने बड़े आप लोग हो चुके हो कि ये चीज़ें समझ सकते हो। 12 महीने का कोड अप्लाई करने के बाद 44,550, यहाँ पे 67,050। आइकॉनिक में अंतर यही होता है कि आंसर राइटिंग के लिए और आपको मेंटर एक मेंटर मिल जाता है, जो एक डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली मेरी मेंटरिंग आपको मिलती है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी प्रोफेशनल लिबर्टी है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। दैट दोज ऑल हु आर यूजिंग माई कोड दे विल एक्सक्लूसिवली गेट माई मेंटरिंग पर्सनली, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये आपके ऊपर अपने अंतरात्मा की बात होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई हम किसका कोड यूज़ करेंगे। हाँ, आप मेरा करते हैं तो मैं जो कराता हूँ बेसिकली उतनी बातें तो ज़रूर कहूँगा। ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिन लोगों को दिक्कतें हैं पैसे की, आप वो लोन वाली फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कैसे लोन वगैरह होता है, क्रेडिट कार्ड पे कैसे आप ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो, विल बी देयर विद शेयरिंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। कम्बैट को सीरियसली लो, स्कॉलरशिप जीतो, इतनी लंबी स्कॉलरशिप की पूल है, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है, उसका फ़ायदा उठाओ एंड मूव अहेड इन लाइफ लाइक यू आर स्टार्टिंग। हमारी भी जो गुरुकुल पे है, नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है, नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, सो कम देयर, बी ए पार्ट ऑफ अस, इट हैज़ टू बी अ ग्रेट जर्नी अहेड, ठीक है। और अगर आपको मेरी मेंटरिंग चाहिए तो ये फैसला आपका अपना होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन फ्री चीज़ों का फायदा उठाओ लाइक दिस टेस्ट सीरीज एंड द स्पेशल क्लासेस, सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है आपको, दैट इज़ AR101, और वो चीज़ें आप अवेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, अभी सिंधु घाटी सभ्यता हमारी खत्म नहीं हुई है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में खत्म होने वाली चीज़ है। धर्म के बारे में, राजनीतिक संगठनों के बारे में, ये सारी जानकारियाँ कैसे खत्म हुआ, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। टुमारो दैट हैज़ टू बी देयर। सो आज के लिए इतना ही गाइज, सी यू ऑल टुमारो विद द थर्ड एपिसोड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।